आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले का मामला, आरोपी नसीब चौधरी के कब्जे को आज हटाया जाएगा। जेजे का प्रवर्तन दस्ता सुबह 10 बजे कार्रवाई करेगा। पृथ्वीराज नगर स्थित रजनी विहार में कार्रवाई करेगा। यहां मंदिर के पास बने कमरे पर आरोपी का कब्जा है। जेजे ने कल धारा 72 का नोटिस दिया। हमले की घटना के बाद जेजे की टीम मौके पर गई थी। जेडी के तहसीलदार ने मौके की रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में कहा गया कि सुविधा क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा किया है। यह रिपोर्ट जेडी की प्रवर्तन शाखा को भेजी गई। प्रवर्तन शाखा आज कार्रवाई करेगी। मौके के हालात को देखते हुए पुलिस का भारी जाप्ता भी तैनात रहेगा। दरअसल गुरुवार देर रात का पूरा मामला, जब शरद पूर्णिमा का अवसर था और इसी वजह से एक मंदिर में खीर वितरण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवकों की मौजूदगी थी, और ऐसे में आरोपी नसीब चौधरी का विवाद हुआ और फिर चाकूबाजी की वारदात में करीब 8 स्वयंसेवक घायल हुए थे, जिन्हें SMS अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया था और फिर वहां उनका उपचार किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में फिर गिरफ्तारियां भी हुई। आरोपी नसीब चौधरी को पकड़ा गया। 24 घंटे के भीतर ही उसकी पत्नी को भी पकड़ा गया और पुत्र को भी पकड़ा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं बताया गया कि इस पूरे मामले में आरोपी और फिर पत्नी और बच्चे को भी पकड़ा गया। कहा गया कि आखिर क्यों नहीं रोका गया, क्या पूरी वजह रही। लेकिन अब इसी से जुड़ा एक कमरा, जिसको बताया जा रहा है कि नोटिस दिया गया और अब कार्रवाई होगी। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमला और फिर जेजे ने कल 72 का नोटिस दिया था, पहले तो बताइएगा इस पूरी घटना के बाद जो नोटिस दिया गया है वो नोटिस क्या कहता है और अब नोटिस के लिहाज से क्या कार्रवाई की जाएगी इस कमरे पर जो कि मंदिर के पास बना है। देखिए शिखा, जब ये आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना हुई थी, उसके बाद लोगों की शिकायत पर जेडी की टीम वहां पहुंची थी और उन्होंने मौका मुआयना किया था। मौका मुआयना के दौरान ये रिपोर्ट में सामने आया कि सुविधा क्षेत्र में ही ये कमरा बना हुआ था, उस पर आरोपी का कब्जा था और ये कमरा जो है सुविधा क्षेत्र की भूमि पर बना हुआ था। इसी के चलते जेडी एक्ट की धारा 72 का नोटिस दिया। जेडी एक्ट की धारा 72 का नोटिस सरकारी जमीन और सुविधा क्षेत्र की जो जमीनें होती हैं उनके लिए दिया जाता है और नोटिस दिया गया है। और नोटिस के बाद आज जेडीए का प्रवर्तन दस्ता मौके पे पहुंचेगा और ये जो कब्जा है, जो ये सुविधा क्षेत्र में निर्माण है, इसको हटाया जाएगा और वहां पर मौके के हालात को देखते हुए पुलिस जाप्ता भी तैनात किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।